हाय फ्रेंड्स, मैं आम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। कल दो बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली है, एक तो बॉलीवुड की मुन्ना माइकल, एक तो हॉलीवुड की डंकर्क। जी हाँ, डंकर्क का आमना सामना होने वाले मुन्ना माइकल से। डंकर्क कोई छोटी मोटी फिल्म नहीं है, ये क्रिस्टोफर नोलान की फिल्म है, तो एक बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। ये फिल्म एक वॉर ड्रामा है, हिस्टोरिक फिल्म है और इसके रिस्पॉन्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, रिव्यूज भी बहुत कड़क आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में। और ये फिल्म जब कल रिलीज होगी तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा टक्कर देगी और जो मुन्ना माइकल के कलेक्शंस पे भी काफी हद तक ये इफेक्ट पड़ेगी। ये तो बात और है कि मुन्ना माइकल कलेक्शन ज्यादा नहीं कमा पाएगी, लेकिन ये फिल्म जरूर धमाका करने वाली है और ये कहीं ना कहीं कड़ा कॉम्पिटिशन देने वाली है मुन्ना माइकल को। यानी कि जो 3-4 करोड़ का डिफरेंस अगर कलेक्शन में नजर आएगा पहले दिन मुन्ना माइकल का, तो उसका कहीं ना कहीं पूरे के पूरे वजह होगी क्रिस्टोफर नोलान की ये फिल्म डंकर्क। बहुत ही यूनिक अलग फिल्म है, दोनों फिल्म की टक्कर बहुत ज़्यादा जोर शोर से होने वाली है और कलेक्शन में भी ऐसा कहा जा रहा है कि डंकर्क का पहले दिन का कलेक्शन इंडिया में कुछ 4-5 करोड़ कम से कम होगा, उससे ज़्यादा ही होगा, तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा। वहीं मुन्ना माइकल कलेक्शन की बात करें तो कहा जा रहा है कि 10 करोड़ तक का कलेक्शन होगा। मुझे भी लग रहा है कि 10-11 करोड़ तक का कलेक्शन हो सकता है मुन्ना माइकल का। तो ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग फिल्में हैं और मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहता हूँ, दोनों फिल्म जरूर देखिए, दोनों फिल्म बहुत अच्छी है और डंकर्क तो देखना बिल्कुल ही ना भूलिए और मुन्ना माइकल तो बॉलीवुड फिल्म है, आप जरूर इसे भी देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं प्रायोरिटी की बात करूँ तो मैं डंकर्क को इस बार देखने की कोशिश करूंगा पहले, उसके बाद मुन्ना माइकल देखते हैं। जो फिल्म मुझे वक्त मिलता है वो फिल्म मैं पहले देखूंगा। आप कितना एक्साइटेड इस क्लैश के लिए जो कल होने वाला है 21 जुलाई को सिनेमाघरों पे, आप जरूर बता सकते हैं इसके बारे में। और आप कौन सी फिल्म का फेवरेट कर रहे हो और क्यों वो भी जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही मेरी वेबसाइट bollywoodcrazies.com पे भी विजिट करना ना भूलें। चलिए, बाय बाय।